उपस्थित हैं, मैं उनकी उपस्थिति में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार किसानों से बिजली के नाम पर 1.5 रुपए यूनिट से लेकर 8 रुपए यूनिट तक चार्ज करती है। और आप यदि बगल में जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में हरियाणा के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है, और दिल्ली के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार, जैसे मैंने आपको कहा कि 8 रुपए प्रति यूनिट तक किसानों से चार्ज करती है, और 125 रुपए पर किलोवाट प्रति महीना फिक्स चार्ज भी वसूल करती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि वो हरियाणा के किसानों से मालूम करें, उनकी पार्टी के लोग हैं वहां पे, हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को खेती बाड़ी के जो उपकरण हैं, चाहे वो कल्टीवेटर हो, हैरो हो, रूटर हो, कटाई की मशीन हो, लेवर की मशीन हो, और जो किसान सिंचाई करते हैं उसके लिए जो किसान पाइप खरीदते हैं, चाहे पाइप की बात हो, चाहे खेत में जो सिंचाई के लिए नाली बनाई जाती है, इन सभी के ऊपर हरियाणा की सरकार हरियाणा के किसानों को 50% से लेकर 60% सब्सिडी देती है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो दिल्ली के किसानों को 1 पाई पैसा सब्सिडी देते हैं? तीसरा सवाल मेरा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, पूरे देश में जो किसानों की जमीन एक्वायर होती है, मुआवजे राशि में बढ़ोतरी हो गई है, केवल देश में एक ही राज्य है, वो है दिल्ली। दिल्ली में जो किसान की जमीन एक्वायर होती है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 6 सालों में 1 पाई पैसा नहीं बढ़ाया है। 17 लाख रुपए से लेकर 53 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिल्ली में किसान की जमीन एक्वायर की जाती है। अरविंद केजरीवाल ने कोई बढ़ोतरी नहीं की। आप हमारे बगल में जाएंगे हरियाणा में, वहां कम से कम अगर किसान की जमीन एक्वायर की जाएगी तो 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़, और उसको 3 गुना बढ़ाकर किसान को दिया जाता है, लगभग 4.5 करोड़ रुपए पर एकड़ दिया जाता है। और दिल्ली में 17 लाख एकड़ से लेकर 53 लाख एकड़ है। मैं उनसे एक चौथा मुद्दा मैं और उठा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की सरकार को जवाब देना चाहिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दिल्ली से पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मैं दिल्ली के किसानों की ओर से उनसे पूछ रहा हूं कि दिल्ली में जिन किसानों की जमीन एक्वायर की गई उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए जाते हैं। दिल्ली के हजारों किसानों ने दिल्ली सरकार से प्रार्थना की है कि उनको उनकी जमीन के बदले में ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए जाएं। हजारों किसान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 6 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किसानों को जो ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट मिलने चाहिए उसकी रिकमेंडेशन नहीं की है। हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने किसानों के ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स की रिकमेंडेशन क्यों नहीं की गई है। इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कि उन्होंने एक बार भी अनेकों बार ये घोषणा की थी कि भारत सरकार जो भी न्यूनतम मूल्य तय करेगी किसान के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम उससे अलग 600 रुपए पर क्विंटल ज्यादा दिल्ली के किसानों को देंगे। वो बताएं कि 6 साल में उन्होंने किस किसान को 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ज्यादा दिया। ये आज हम इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप हरियाणा में जाइए, जो वहां सौर ऊर्जा के जो कुएं लगाए जाते हैं उसके ऊपर हरियाणा सरकार 70% किसान को सब्सिडी देती है।
और दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किसानों को ट्यूबवेल लगाने के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। आप मुझे बताइए, यदि किसान जो है वो अपनी खेती बाड़ी, अगर वो अपने खेत में जो खेती बाड़ी करना चाहता है तो बगैर सिंचाई के खेती संभव नहीं है, तो किसानों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद भी किसान को ट्यूबवेल लगाने की अनुमति नहीं मिलती है, मोटी मोटी रकम देनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी, इस बात का जवाब दीजिए